जब भी खतरनाक जानवरों का जिक्र होता है तो हमारे दिमाग में शेर, लियोपर्ड और मगरमच्छ जैसे जानवरों का नाम हिट करने लगता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इनके अलावा भी दुनिया में कई ऐसे जीव जंतु मौजूद हैं जो काफी घातक होते हैं। कुछ तो इतने शातिर तरीके से शिकार करते हैं कि उन्हें प्रोफेशनल किलर कहने में कोई बुराई नहीं है। वहीं कुछ जीव देखने में बेशक छोटे हैं, लेकिन इनके कारनामे काफी बड़े होते हैं। चलिए जानते हैं दुनिया के 10 सबसे घातक जीवों के बारे में। जायंट ट्रेवली। आपने देखा होगा कि समुद्र के ऊपर काफी पक्षी इस फिराक में उड़ते रहते हैं कि जैसे ही कोई छोटी मछली ऊपर आए और ये झट से उसे अपना शिकार बना ले। लेकिन शायद वो ये नहीं जानते कि समुद्र के नीचे उनकी मौत छुपी बैठी है। जायंट ट्रेवली एक ऐसी घातक मछली है जो शिकार के मामले में काफी तेज तरार होती है। ये पानी के भीतर रहकर ही समुद्र के ऊपर मंडरा रहे पक्षियों पर बराबर नजर रखती है। जायंट ट्रेवली मछली इतनी चालाक और बुद्धिमान होती है कि इसे ये पता लगाने में जरा भी वक्त नहीं लगता कि इसका शिकार समुद्र के ऊपर कितनी स्पीड से उड़ रहा है। इसे बखूबी मालूम होता है कि शिकार की एक्चुअल पोजीशन क्या है, बस फिर मौका मिलते ही ये उस पर तेजी से हमला कर देती है। जायंट ट्रेवली इतनी स्पीड से आती है कि शिकार को भनक तक नहीं लगती। आपको बता दें कि जायंट ट्रेवली एक विशालकाय मछली है जो स्थलीय जीवों को अपना शिकार बनाती है। मछली की ये खतरनाक प्रजाति इंडो पैसिफिक रीजन में पाई जाती है। कार्निवोरस कैटरपिलर। आमतौर पर कैटरपिलर्स शाकाहारी होते हैं, लेकिन दुनिया में कैटरपिलर्स की कुछ ऐसी भी प्रजातियां मौजूद हैं जो काफी शातिर और मांसाहारी होती हैं। इन्हीं में से एक कार्निवोरस कैटरपिलर भी है। ये खतरनाक प्रजाति हवाईयन फॉरेस्ट में निवास करती है। शिकार को पकड़ने के लिए यह अपने नुकीले 6 पैरों का सहारा लेता है। कार्निवोरस कैटरपिलर अपने शिकार को इतनी मजबूती से पकड़ता है कि वो लाख कोशिश के बावजूद बच नहीं पाता। दरअसल इसके पैरों में सुईनुमा कांटे निकले होते हैं, जिसकी मदद से कार्निवोरस कैटरपिलर शिकार को पकड़ने में कामयाब होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये छोटा सा जीव इतना घातक होता है कि ये शिकार के मरने का भी इंतजार नहीं करता, बल्कि उसे जिंदा ही खाना शुरू कर देता है। इसके शिकार करने का तरीका भी कमाल का है। सबसे पहले ये पेड़ पौधों की पत्तियों के नीचे छिप जाता है और फिर शिकार पर बराबर नजर बनाए रखता है। जैसे ही शिकार इसके करीब आता है, ये फौरन अपने नुकीले पंजों की मदद से उसे दबोच लेता है। आपको बता दें कि ये इतनी तेजी से हमला करता है कि शिकार को कुछ सोचने समझने का वक्त ही नहीं मिलता। दोस्तों, कार्निवोरस कैटरपिलर शिकार को जिंदा ही निगलने लगता है। किलर टंग कैमिलियन। दोस्तों, कुछ जीव इतने खूबसूरत होते हैं कि उनके असली चेहरे का पता ही नहीं चलता। कैमिलियंस भी उन्हीं जीवों में से एक हैं। ये गिरगिट की एक ऐसी प्रजाति है जो खूबसूरत होने के अलावा रंग बदलने में माहिर होती है। लेकिन इसके अलावा इनकी एक खूबी ये भी है कि अपनी लंबी जीभ की मदद से दूर बैठे शिकार को झट से पकड़ कर चट कर जाते हैं और सांस भी नहीं लेते। ये अपने शिकार पर इतनी तेजी से अटैक करते हैं कि उसे पता ही नहीं चलता कि अचानक हुआ तो हुआ क्या। ये अपने जीभ को केवल कुछ ही सेकंड्स के भीतर ही अपने शरीर की लंबाई से दुगुना अधिक दूरी तक छोड़ने में एक्सपर्ट होती है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि इसके हमले की रफ्तार 2500 मीटर प्रति सेकंड होती है। यह स्पीड धरती के अन्य जानवरों के मुकाबले काफी अधिक है। अपनी इसी खतरनाक जीव की मदद से यह शिकार को पलक झपकते ही गायब कर देते हैं। एक अनुमान के मुताबिक इसकी स्पीड की तुलना अगर एक फाइटर जेट से की जाए तो इसके हमले की गति फाइटर जेट की स्पीड से 4 गुना अधिक होगी। दुनिया भर में गिरगिट की 150 से अधिक प्रजातियां मौजूद हैं। गबून स्नेक। दुनिया में सांपों की एक से बढ़कर एक खतरनाक प्रजाति पाई जाती है, जिनमें से कुछ सांप का हमला इतना घातक होता है कि हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं। गबून स्नेक दबे पांव आता है और शिकार पर टूट पड़ता है। यह हमला करने से पहले सुनिश्चित करता है कि शिकार एक ही अटैक में इसकी गिरफ्त में आ जाए। फिर मौका मिलते ही यह अपना दांव खेल जाता है और शिकार को चारों खाने चित कर देता है। एक शोध की माने तो सांप के हमले की औसतन स्पीड 44 से 70 मिलीसेकंड तक होती है। इस बात का अंदाजा आप कुछ यूं लगा सकते हैं कि ये इंसान के पलक झपकने की गति से भी कम समय में तेजी से अटैक करने में उस्ताद होते हैं। आपको बता दें कि गबून वाइपर प्रजाति का सांप है और ये सब सहारा अफ्रीका में पाया जाता है। सभी वाइपर्स की तरह यह विषैला होता है। इसके पास सबसे लंबे फैंग्स होते हैं जो लंबाई में 2 इंच तक होते हैं।
मेंटिस। मेंटिस कहने को तो एक कीड़ा मात्र है, लेकिन इसके कारनामे इतने बड़े बड़े हैं कि आपके होश उड़ जाएंगे। इसे प्रेइंग मेंटिस भी कहते हैं, क्योंकि ये अक्सर एक पोजीशन में नजर आता है। इसे देख ऐसा लगता है जैसे ये प्रार्थना कर रहा है। इसके सिर के दोनों साइड बड़ी बड़ी आंखें होती हैं और ये अपने सिर को 360 डिग्री तक घुमा सकता है। मेंटिस के सिर पर दो एंटीना भी होते हैं, जिसका इस्तेमाल ये नेविगेशन के लिए करता है। इसके 6 पैर होते हैं। पीछे के 4 पैर मुख्य रूप से चलने का काम करते हैं, जबकि सामने के पैरों में धारदार नुकीले कांटे होते हैं। ये तेज धारें मेंटिस को शिकार पकड़ने में बहुत मदद करती हैं। अगर कोई शिकार इसके चंगुल में एक बार फंस जाए तो उसका बचना मुश्किल हो जाता है। मेंटिस को अक्सर पेड़ पौधों और झाड़ियों पर ही देखा जाता है। वैसे तो इसे प्रेइंग मेंटिस भी कहा जाता है, लेकिन ये किसी के आगे नहीं झुकता है। मेंटिस काफी खतरनाक स्वभाव वाला जीव माना जाता है। आमतौर पर ये ग्रास ऊपर और छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खाना पसंद करता है, लेकिन कई बार सांप को भी अपना शिकार बना लेता है। मेंटिस छोटे सांप को देखते ही उसे तेजी से पकड़ लेते हैं और सांप के रिएक्ट करने से पहले ही उसे खाना शुरू कर देते हैं। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि मादा मेंटिस दूसरे मेल मेंटिस को अपना भोजन बनाने में जरा भी वक्त नहीं लगाती है। नर मेंटिस को आकर्षित करने के लिए सबसे पहले मादा हवा में फेरोमोन्स छोड़ती है। फेरोमोन्स की वजह से नर मेंटिस जल्दी ही मादा की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। आपको बता दें कि मेंटिस को 2400 से अधिक प्रजातियों और 15 डिफरेंट फैमिलीज में वर्गीकृत किया गया है। किसिंग बग्स। इस कीड़े का नाम सुनकर इस पर जरा भी भरोसा नहीं करना, क्योंकि भले ही इसका नाम किसिंग बग है, लेकिन ये एक खतरनाक इंसेक्ट है। आपको बता दें कि इस कीड़े का नाम दुनिया के सबसे खतरनाक जीवों में शामिल है। इसके काटने से चागस नाम की बीमारी फैलती है और लोग गंभीर एलर्जी का शिकार हो जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक किसिंग बग के काटने से हर साल औसतन 10,000 लोगों की मौत हो जाती है। आपको बता दें कि किसिंग बग्स ब्लड फीडिंग इंसेक्ट्स होते हैं, यानी ये मच्छरों की तरह इंसानों या जानवरों का खून पीकर अपना पेट भरते हैं। ये खतरनाक सा कीड़ा दिन के समय छिपा रहता है और रात के समय एक्टिव हो जाता है। किसिंग बग अमेरिका के वार्म साउथर्न स्टेट्स, मेक्सिको, सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। स्लो लॉरिस। छोटे बंदर की तरह दिखने वाला स्लो लॉरिस काफी खतरनाक होता है। हालांकि स्वभाव से ये काफी शांत होता है, लेकिन अगर ये किसी को काट लेता है तो एनाफिलैक्टिक शॉक से उसकी मौत भी हो सकती है। इसके खतरनाक होने का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि स्लो लॉरिस दुनिया के एकमात्र विनोमिनस मैमल्स में से एक माना जाता है। इस छोटे से जानवर में इतना जहर भरा होता है कि अगर ये किसी इंसान को काट ले तो उसकी जान भी जा सकती है। हर कोई स्लो लॉरिस के मासूम चेहरे को देखकर फिदा हो जाता है, लेकिन इसका असली चेहरा तो बाद में ही पता चलता है। स्लो लॉरिस प्राइमेट होते हैं और ये मुख्य रूप से साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। ये सर्वाहारी जीव होते हैं जो इंसेक्ट्स, आर्थ्रोपॉड्स, स्मॉल बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एग्स, फ्रूट्स, गम्स और नेक्टर खाते हैं। दुनिया में इनकी 8 प्रजातियां मौजूद हैं। पिग्मी स्लो लॉरिस का जीवन काल 20 साल तक होता है। डेथ स्टॉल्कर। वैसे तो एक बिच्छू किसी की भी हालत खराब करने के लिए काफी है, लेकिन डेथ स्टॉल्कर इतना खतरनाक स्कॉर्पियन है कि इसके सामने बाकी बिच्छू आम नजर आते हैं। ये अन्य स्कॉर्पियन के मुकाबले कई गुना अधिक डेंजरस होता है, क्योंकि ये जहरीले सांपों तक को मौत के घाट उतारने का दम रखता है। ये अपने जहर का इस्तेमाल शिकार को पकड़ने के लिए करता है। कई बार तो इंसान भी इसके हमले से बच नहीं पाते हैं। दरअसल इसका जहर न्यूरोटॉक्सिन से भरपूर होता है और इसके डंक मारने से पैरालिसिस भी जाता है। अगर समय पर इलाज न मिले तो जान भी गंवानी पड़ सकती है। आपको बता दें कि डेथ स्टॉल्कर हल्के पीले रंग से लेकर गहरे पीले रंग के होते हैं। कई बार ये हरे रंग के भी नजर आते हैं। अमेज़ोनियन जायंट सेंटीपेड। कान खजूरे की ये प्रजाति अमेज़न के जंगलों में खास तौर से पाई जाती है। इसे पेरुवियन जायंट येलो लेग सेंटीपीड के रूप में भी जाना जाता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी सेंटीपीड प्रजाति है, जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर से अधिक होती है। सेंटीपीड काफी आक्रामक स्वभाव का माना जाता है, जो मकड़ी, चूहे, छोटे पक्षी, चमगादड़ और छिपकली जैसे जीवों को अपना शिकार बनाता है। वैसे तो ये जहरीला नहीं होता है, लेकिन शिकार को पकड़ने की कला में कुशल होता है। सेंटीपीड अपने शिकार को दम घोटकर मार देता है और ये अपने छोटे छोटे पैरों की मदद से शिकार को कुंडली मारकर बुरी तरह जकड़ लेता है और तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि वो मर नहीं जाता।
हालांकि सेंटीपीड्स में इतनी ताकत नहीं होती है कि ये किसी इंसान की जान ले सके, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसकी पकड़ में आ जाए तो ये बुरी तरह से उसे काट देता है। इसके काटने पर तेज दर्द और कमजोरी महसूस होने लगती है। आपको बता दें कि सेंटीपीड की गिनती अमेज़न के खतरनाक जीवों में होती है। इग्वाना। इग्वाना एक ऐसी लिजार्ड है जो काफी खूंखार टाइप की दिखाई देती है। दरअसल इसकी पीठ पर नुकीले कांटेनुमा संरचना होती है जिसे देखने भर से ही किसी की भी हालत खराब हो सकती है। इग्वाना काफी खतरनाक लिजार्ड मानी जाती है क्योंकि इसके पास एट्रोफिड वेनम ग्लैंड्स होते हैं जो जहर छोड़ती है। इसके दांत काफी शार्प होते हैं। अगर गलती से भी कोई इसके आसपास भटक जाए तो ये उसके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। आपको बता दें कि इग्वाना मेक्सिको, मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और कैरेबियन के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के मूल निवासी हैं। आमतौर पर ये हरे रंग के होते हैं जो खास तौर से अमेरिका में पाए जाते हैं। इसे अमेरिकी इग्वाना के रूप में भी जानते हैं। ग्रीन इग्वाना का वजन 4 किलो तक होता है और ये 30 से 32 सेंटीमीटर लंबी होती है। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा जानवर सबसे ज्यादा खतरनाक लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।